हमारे साथ अभी एक दूसरे मैकेनिक मौजूद हैं। मैकेनिक मेरे साथ मौजूद हैं क्योंकि ये पहले किसी और शर्का में थे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हमारे साथ अभी एक दूसरे मैकेनिक मौजूद हैं। जैसे कि आपने पहली वीडियो में देखा था कंपनी के बारे में, उससे हमने पूरी डिटेल पूछी थी, तो एक के मैकेनिक मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा कि ये क्योंकि ये पहले किसी और शर्का में थे तो यहाँ तक ये कैसे आए। भाई अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। तो आपको इस शर्का में कितना टाइम हो गया? 2 साल हो गए। आपको 2 साल हो गए हैं। आप पहले किसी और शर्का में थे? नहीं, बाहर था, बाहर दुकान थी, उसमें काम करता था। बाहर दुकान थी, क्या आज़ाद वीज़ा था क्या? जी बिल्कुल आज़ाद था, आज़ाद वीज़ा था। तो जब आप इस शर्का में आए, आप कितने साल पहले आए? 2 साल। 2 साल आपको हो गए। सैलरी कितनी है? अभी 2500 है। अभी 2500। जब आपका तनाजल जहाँ पर हुआ था उस वक्त कितनी लगी थी? 1800। 1800 रियाल। पाकिस्तान में आप रहते? गुजरांवाले कामों की। आप गुजरांवाला काम ही कर रहे थे। तो अभी आपको 2 साल हो गए हैं, अभी आप घर नहीं गए? जाने वाला हूँ, बस 4-5 दिन तक चला जाएगा। शादी की है? शादी की, एक बेटा माशाल्लाह। माशाल्लाह से। तो इसके आपको सैलरी के अलावा और भी है कुछ यहाँ पे, कुछ जैसे मोबाइल वगैरह मिल जाता है किसी और कंपनी में? मोबाइल के मिलते हैं पैसे, एक माँ बाप, दो माँ बाप, जब हम ऑयल बेचते हैं ना उसके पैसे मिलते हैं हमें। अच्छा, पहले आप बाहर काम करते थे बकालो वगैरह पे? बकालो पे नहीं, वर्कशॉप में काम करता था पहले। वर्कशॉप में काम करते थे, तो उस वहाँ पे आप ज़्यादा खुश थे? जहाँ पे ज़्यादा खुश? इधर सही है, वहाँ पे अभी अकामा बहुत महंगा हो गया था, इसलिए फिर कफाला कराना पड़ा कंपनी में। जी अच्छा। अच्छा, आप यहाँ पे मैकेनिक के अलावा और भी कुछ काम कर सकते हैं? नहीं, मैकेनिक का भी करता हूँ, इलेक्ट्रीशियन का भी साथ करता हूँ। वही मैं पूछ रहा हूँ ना, इलेक्ट्रीशियन का काम भी आप कर लेते? जी कर लेता हूँ, इलेक्ट्रीशियन का भी करता हूँ, ये टेंकियाँ वगैरह जो अमरीकन, इनका भी, ये गाड़ियों का भी। यानी कि आप मैकेनिक भी हैं और इलेक्ट्रीशियन भी हैं, 2 in 1 है? जी 2 in 1। माशाल्लाह। तो ओके जी नाज़रीन, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो चलते हैं जी अगली वीडियो की तरफ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।